नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की कुमार की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों आज की कुमार की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं यार, आप जो पेंशन का फॉर्म होता है, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और भी दोस्तों बहुत सारी पेंशन होती है जितनी भी, उनका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और उनका फॉर्म फिल करके दूसरे की मदद कैसे कर सकते हो। दोस्तों मदद कैसे, यार बहुत से बंदे होते हैं गांव में सिटी में जिनको पता नहीं होता है कि यार ओल्ड एज का पेंशन का जो फॉर्म होता है वो कैसे फिल किया जाता है, अपने स्मार्टफोन से या दोस्तों कंप्यूटर से, दोस्तों किसी से भी आप फिल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे केवल स्मार्टफोन से बताने वाला हूँ, तो आप उसी से आइडिया लगा के कंप्यूटर से उस फॉर्म को फिल कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे केवल एक फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो अपने स्मार्टफोन से बिना किसी कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखते रहिए अगर आपको जानना है कि वृद्धा पेंशन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल टैग चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको किसी का ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे SSPY यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे आप SSPY टाइप करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, ऑटोमेटिक आ जाती है, इसे आपको सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बनना है ओल्ड एज का पेंशन का फॉर्म, तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन आवेदन करें, अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, मगर जो पहला ऑप्शन है आपको उसी को सेलेक्ट करना है, न्यू एंट्री फॉर्म को। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म होता है जो आपको भरना है वो ओपन होके आ जाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे जनपद को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका कोई सा भी जनपद है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मेरा है जनपद का, दोस्तों मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पे आगरा से, तो मैं यहाँ पे आगरा कलर कर लेता हूँ सेलेक्ट फटाफट से आपको बताने के लिए। और दोस्तों निवासी, आप किस जगह के निवासी हो यानी कि आप नगरी निवासी हो या फिर कैसे हो वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे आप नगरी कर लीजिए या फिर ग्रामीणी, दोस्तों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रामीण। इसके बाद तहसील का यहाँ पे नाम आ जाता है, आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ किरावली। किरावली डालने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस जिस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है केवल आपको वही वाला फॉर्म, सॉरी यार वही वाला ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। जिस जिस पे स्टार नहीं है आपकी इच्छा यार, कर सकते हो, नहीं करना है मत कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर आपको जो स्टार है वाला ऑप्शन तो फिल करना ही करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है ग्रामीण का विवरण देने के बारे में, तो यहाँ पे ब्लॉक चुन लीजिए फटाफट से, आपका कौन सा ब्लॉक है यार, जो भी आपका ब्लॉक हो उसे चुन लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे अचनीरा चुन लेता हूँ। इसके बाद ग्राम पंचायत, आप कौन सी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद गाँव, आप कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए अरदाया ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और न्याय पंचायत, आपके गांव की न्याय पंचायत कौन सी है उसे यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो डाकघर है वो कौन सा है उसे यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, आवेदक का नाम। दोस्तों आप जिस किसी का भी आवेदन फॉर्म बनना चाह रहे हो, ऑनलाइन करना चाह रहे हो, उसका यहाँ पे आपको नाम डालना है, उसका यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, उसके पिता का नाम डाल दीजिए, मकान नंबर, लोकेलिटी और गली, ये तीन आपके पास नहीं है तो मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों लिंग, वो महिला है या फिर पुरुष है या फिर अदर है, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से यहाँ पे। और पूरा पता और पिन कोड, ये दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे भरने हैं, उसका पूरा पता डाल दीजिए। उसके बाद पिन कोड, उसका जो पिन कोड है, एरिया कोड बोलते हैं उसे, उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद उसका जो रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो है उसका फोटो खींचिए अपने फ़ोन से कैमरे से, और उसे क्रॉप करके जो कि 20 KB से कम का होना चाहिए उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए।
उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है चूज फाइल पे यहाँ पे, और वो वाला फोटो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल से निकाल के और उसे अपलोड कर सकती हो। उसके बाद आप कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी एसटी मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हो। उसके बाद उप श्रेणी में आप कौन सी श्रेणी में आते हो, उप श्रेणी में उसे आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको नहीं डालना है मत डालिए, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जन्म तिथि डाल दीजिए, और जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे आयु डाल दीजिए कि आप जिस तारीख को फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस तारीख तक, लगभग दोस्तों उस तारीख तक वो व्यक्ति कितने साल का यानी कितने वर्ष का हो चुका है। इसके बाद अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। इसमें आप दो तीन आईडी लगा सकते हो, या तो जो आपका पहचान पत्र है उसे लगा सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड, इन तीनों में से आप किसी को भी यहाँ पे उसका फोटो खींच के और उसे क्रॉप करके अपलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र आप किसको रखना चाहते हो, वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को, आधार कार्ड को, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसका नंबर डाल दीजिए और उसका फोटो खींच के यहाँ पे आपको उसे भी अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर। इससे क्या होता है कि आपका फॉर्म तो फिल हो गया मगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो आपसे संपर्क कर सके, यानी कि विभाग वाले आपसे संपर्क कर सके, उसको नंबर यहाँ पे डाल दिए। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बैंक का विवरण के बारे में। आपको अपने बैंक के बारे में यहाँ पे बताना है तो बैंक का नाम डाल दीजिए यहाँ पे कि आप मतलब कौन सी बैंक में आपका यहाँ पे खाता है। आपको यहाँ पे बहुत सारी बैंक मिल जाती हैं, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, बहुत सारी बैंक मिल जाती हैं, उन्हें यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कैनरा बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैनरा बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद शाखा डाल दीजिए कि आपकी शाखा कौन सी है, तो यहाँ पे आप आगरा डाल सकते हो, मतलब जो भी है आपकी शाखा उसे यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद आपको खाता नंबर डालना है यहाँ पे खाता नंबर। दोस्तों आपको खाता नंबर थोड़ा ध्यान से डालना है, एक नंबर भी यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका एक नंबर भी यहाँ पे गलत हो गया तो यार गड़बड़ हो सकता है, मतलब आपकी पेंशन शायद फिर ना आए, क्योंकि अगर खाते नंबर में ही पेंशन आती है अगर आप उसे ही गलत कर दोगे तो पेंशन नहीं आएगी। इसके बाद आप अपनी फोटो खींचे उस पासबुक का और उसे क्रॉप करके और इस पर क्लिक करके चूज ऑप्शन पे और अपनी फाइल से उसे निकाल के उस फोटो को जो आपने खींचा है पासबुक का उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट का ऑप्शन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको आय का विवरण देना पड़ता है कि आपकी सालाना की आय कितनी है, तो यहाँ पे आपको परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे फिल कर दीजिए। और दोस्तों कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे 45,000 से ऊपर की नहीं रखनी है, 45,000 से नीचे ही यहाँ पे डालिए आप। और दोस्तों जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसमें भी 45,000 से नीचे ही करवाइए अपने लेखपाल से बोल के। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, वो मिल जाता है तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र क्रमांक, जो आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र पर आपको 15 अंकों का नंबर मिल जाएगा, उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद उसका फोटो खींचिए आय प्रमाण पत्र का और उसे फोटो खींचने के बाद उसे क्रॉप करके और उसे भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर दोस्तों आप बीपीएल सूची में आते हो तो उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं आते हो कोई दिक्कत नहीं है मत डालिए। इसके बाद ना जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है दोस्तों कैप्चा कोड, जो आपको दिख रहा होगा कैप्चा कोड 47543, इस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पे, और नंबर को यहाँ पे डालने के बाद और सेव कर दीजिए इसे। जब दोस्तों आप इसे सेव कर दोगे तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा उस व्यक्ति का जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस पेज को फटाफट से मैं यहाँ पे हटाता हूँ और दोबारा से इसी पे क्लिक करता हूँ ऑनलाइन आवेदन पे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट से फ्रॉम फाइनल सबमिट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे, क्योंकि हमें फाइनल सबमिट निकालना है, बस अब प्रिंट निकालना है उसका फाइनल सबमिट का। स्कीम चुने अपनी यहाँ पे, सबसे पहले वृद्धा पेंशन का आपने फॉर्म भरा था तो हमें यहाँ पे वृद्धा पेंशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जनपद चुन लीजिए आप कौन से जनपद से बिलोंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आगरा को यानी कि आगरा को सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है
उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पे डाल दीजिए और उसके बाद दोस्तों जो कैप्चा कोड है उसे यहां पे फिल कर दीजिए सामने, यहां पे उसे फिल कर दीजिए कैप्चा कोड को। इसके बाद इसे सर्च कर दीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, और मैं आपको बता दूं आपको मतलब और क्या करना है दोस्तों। आपको यहां पे ये वाला फॉर्म तो आपको यहां पे फिल कर देना है ऑनलाइन, तो आपका हो गया। उसके बाद यहां पे बैक जाना है आपको, थोड़ा बैक जाने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना है यहां पे ओल्ड एज पेंशन पे द्वारा फॉर्म पे, और आवेदन का प्रारूप आपको इस पे यहां पे क्लिक कर देना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों ये है फॉर्म जो आपको ऑफलाइन भी भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को आप भर लीजिए, अपना फोटो यहां पे चिपका दीजिए, और फोटो चिपकाने के बाद इसे अपने प्रधान के यहां या फिर जो आपका सिटी में होता है प्रधान के टाइप का उसके यहां इसे जमा कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे लगाए थे ऑनलाइन फॉर्म में, वो सभी यहां पे इसके साथ फोटो कॉपी करके और लगा दीजिए। और दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि यार हम ऑनलाइन जो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं वृद्धा पेंशन का। दोस्तों आप ऐसी वीडियो और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और खास करके उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो भी वीडियो डालूंगा एग्जिट उसी समय पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। अगर दोस्तों आपका फिर कोई सवाल रहता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको बस से देने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।